तो स्वागत है आप सभी का टेक्न हेल्प पे। और आज हम बात करने वाले हैं कि आप Redmi Note 7 Pro मोबाइल को फ्लैश सेल पे कैसे बाय कर सकते हैं। कुछ मैं आपको बातें बताऊंगा, उस बातों का आप अगर ध्यान में रखते हैं और उस बातों का अगर ट्रिक बना के अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर चांसेस बढ़ जाता है 90% कि आप इस मोबाइल को बाय कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं Flipkart का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि Flipkart का जो EMI का फ्लैश सेल चलता है वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलता है, करीब 10-15 सेकंड के लिए चलता है और उसके बाद स्टॉक आउट हो जाता है। और अभी तो जैसे कि आप जानते हैं Redmi Note 7 Pro जो कि इंडिया में फ़िलहाल ही लॉन्च हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्पेसिफिकेशन पे मोबाइल लॉन्च हुआ है, तो सभी लोग चाहते हैं कि इस मोबाइल को बाय करना। बट मोबाइल का तो स्टॉक कुछ लिमिटेड ही होगा और बहुत लोग एक साथ अगर इस मोबाइल को बाय करने जाएंगे तो आपका यहाँ पर चांसेस जो है यहाँ पर कम जाता है। बट इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर इस वीडियो को एक ट्रिक बना के जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप अगर अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर चांसेस 95% अब यहाँ पर आपका बढ़ जाएगा और आप इस मोबाइल को इजीली बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिक की हम आते हैं कि आप इस मोबाइल को अगर Flipkart पे बाय करने के लिए जा रहे हैं तो Flipkart पे आप ध्यान में रखिए, Flipkart पे आपको इस मोबाइल को बाय करने के लिए आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, मोबाइल बाय करते टाइम जियो का इंटरनेट यूज करते हैं, तो आप भी अगर उनमें से हैं जो जियो का इंटरनेट यूज करके इस मोबाइल को बाय करने के लिए जा रहे हैं, मैं उसको बताना चाहता हूं कि भाई आप जब आप बाय करते जाएंगे उस टाइम आप जियो का इंटरनेट यूज मत कीजिए, क्योंकि आपका लोकेशन पे बहुत लोग जियो का इंटरनेट यूज करके इस मोबाइल को बाय करने के लिए अगर एक साथ जाएंगे तो जियो का सर्वर यहाँ पर डाउन होगा और आप जो है इस मोबाइल को ईजिली बाय नहीं कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप अगर इस मोबाइल को बाय करना चाहते हैं तो आप एयरटेल वोडाफोन पे कोई एक छोटा मोटा रिचार्ज कर लीजिए और आपके पास अगर वाईफाई है तो एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन यहाँ पर निकल के आता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपका जो इंटरनेट का स्पीड है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं जो है Flipkart का फ्लैश सेल बहुत ही कम टाइम चलता है और उस टाइम आपका अगर नेटवर्क अप एंड डाउन होता है तो आप इस मोबाइल को बाय नहीं कर पाएंगे। तो ये था पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यही है कि आप अगर Flipkart पे मोबाइल बाय करते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है सेव एड्रेस का। आप जैसे माई अकाउंट पे जाते हैं, माई अकाउंट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है अपना एड्रेस सेव करने का। तो आप सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं माई एड्रेस यहाँ पर सेव करके मैं रखा हुआ हूँ, तो आप भी क्या कीजिए अपना जो एड्रेस है वो यहाँ पर सेव कर दीजिए। सेव करने का यहाँ पर आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अगर इस मोबाइल को बाय करने के लिए जा रहे हैं और आप अगर बाय कर चुके हैं और आपने देखा कि आपका एड्रेस ही यहाँ पर सेव नहीं है तो आप जब तक एड्रेस डालेंगे वो मोबाइल स्टॉक आउट हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए कि आप अपना एड्रेस जो है यहाँ पर सेव करके रखिए। जो थर्ड पॉइंट की हम थर्ड पॉइंट भाई ये है कि आप अगर इस मोबाइल को बाय करने के लिए जा रहे हैं तो बहुत लोग COD यानी कैश ऑन डिलीवरी पर यहाँ पर जो है यहाँ पर निर्भर करता है। बट आप भी अगर कैश ऑन डिलीवरी पे यहाँ पर मोबाइल को बाय करने के लिए जा रहे हैं तो हो सकता है कि आपका लोकेशन पे आपका प्लेस पे COD अवेलेबल नहीं है, तो आपको यहाँ पर पेमेंट करते टाइम जो दिक्कत आ सकता है, आपको कार्ड नंबर वगैरह डालना हो सकता है। तो Flipkart पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप जाके अपना क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड सेव करके रख सकते हैं और आप यहाँ पर ईजिली पेमेंट कर सकते हैं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा, आपका यहाँ पर जो है टाइपिंग का टाइम बच जाएगा और इस मोबाइल को आप ईजिली बाय कर सकते हैं। तो ये जो तीनों ट्रिक है गाइस आप अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका यहाँ पर जो मोबाइल है यहाँ पर 95% चांस बढ़ जाता है कि आप इस मोबाइल को इजीली जो है बाय कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं Redmi का जो फ्लैश सेल होता है वो सबसे पहले यहाँ पर ख़त्म होता है। मतलब Redmi का जो फ्लैश सेल है उस फ्लैश सेल पर बहुत लोग आते हैं और बहुत लोग बाय करना चाहते हैं बट बहुत लोग ये जो बातों को यहाँ पर ध्यान में नहीं रखते, इसके वजह से आप जो इस मोबाइल को बाय नहीं कर पाते। तो जो जो मैं आपको बातें बताया उस बातों का आप ध्यान में रखते हैं और उसको एक ट्रिक बना के अपने जो है इस अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है परसेंटेज बढ़ जाता है कि आप इस मोबाइल को इजीली बाय कर सकते हैं। और दूसरा जो थिंग है, बहुत लोग तो Flipkart पे बाय करता है बट आप यहाँ पर EMI स्टोर पे भी ट्राई कर सकते हैं। EMI स्टोर पे भी यहाँ पर सेल चलने वाला है एक ही डेट पे एक ही टाइम पे और बहुत लोग Flipkart पे बाय करने के लिए जाएंगे। बट आप क्या कीजिए, आपका अगर फ्रेंड है तो आपको फ्रेंड को बोलिए कि आप तू EMI स्टोर से बाय कर और मैं Flipkart से बाय करता हूँ, तो दोनों में से एक का तो यहाँ पर बाय हो जाएगा। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप अगर Flipkart पे बाय करने के लिए चाहते हैं तो आप Flipkart पे भी कर सकते हैं और EMI स्टोर पे भी कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं Flipkart पे थोड़ा ट्रैफिक ज़्यादा होगा, EMI स्टोर पे कम होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपको समझ चुका हूँ कि आप कैसे यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मतलब से न्यू वीडियो और न्यू ट्रिक के साथ।